क्या दोस्तों आप YouTube पर वीडियो बनाते हो या फिर दोस्तों आप Instagram पर खुद की वॉइस की रील्स बनाते हो, तो दोस्तों रुक जाओ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि अगर आपकी वॉइस पतली है या फिर दोस्तों मोटी है तो अपने हिसाब से आप एडिट कैसे कर सकते हो। और दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हो तो दोस्तों हमारी वॉइस का काफी हाथ होता है हमारे YouTube पर वीडियो वायरल होने का, ठीक है। अब दोस्तों जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी वॉइस को एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके पास काफी क्वालिटी का माइक होता है, जिसकी वजह से उसका जो पीछे का वॉइस का बैकग्राउंड है वो हट जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों काफी यूट्यूबर्स के पास, छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, उसके पास माइक नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले कि अगर बिना माइक के आप अपनी वॉइस को एडिट कैसे कर सकते हो यूट्यूब के लिए, या फिर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर कोई रील्स बनाते हो तो दोस्तों उसके हिसाब से भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि आपको कैसे अपने वॉइस एडिट करनी है, ठीक है। अगर आप दोस्तों आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो तो दोस्तों सही वीडियो पर आए हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड या फिर इंस्टाग्राम रिलेटेड वो वीडियो आती है वो आपके पास आ सके, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, और ठीक है अब दोस्तों आपको बताएंगे कि वो ऐप आपको कहाँ से मिलेगा और कहाँ से डाउनलोड करना है और कहाँ पर इसका लिंक है, ठीक है। तो दोस्तों सारी की सारी चीज हम स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है इस वीडियो को हम एंड में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसा सीन आएगा, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपको इसको यूज कैसे करना है ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अब दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी कोई वॉइस हो या फिर दोस्तों वीडियो हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ फाइल आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। अगर आपकी कोई वॉइस हो या फिर दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हो फाइल के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे जो हमारी गैलरी है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जो वीडियो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसा सीन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा तीन ऑप्शन देगा, तीन चार, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसका जो आपसे इस ऑप्शन का मतलब है कि आपका वीडियो प्ले हो जाएगा, ठीक है, मतलब चालू हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है कि जो ये वीडियो बंद हो जाएगी, ठीक है, ऑफ हो जाएगी, मतलब, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या दोस्तों आप YouTube पर वीडियो बनाते हो या फिर दोस्तों आप Instagram पर खुद, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वीडियो यहीं पर रुक चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको फाइनली क्या करना है, आपको एडिट करना है, ठीक है, यूट्यूब के लिए नॉर्मल, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर आप इंस्टाग्राम पर कोई शायरी वगैरह बनाते हो तो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यूट्यूब के लिए हम एडिट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको फाइनली यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, थ्री डॉट का। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इफेक्ट का एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ सीन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको फाइनली क्या करना है, आपके सामने बहुत सारे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से आपकी वॉइस को एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, नॉर्मलाइज। अगर आप दोस्तों यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो तो दोस्तों आपको इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब ये होगा, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो आपको पता होगा कि ये कभी आवाज़ हमारी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी वॉइस एक नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, कहने का मतलब एक रिक हो जाएगी, ठीक है, कहीं पर मैं हमारी अप डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे दोस्तों आप ओपन करोगे तो हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो वॉइस है वो सेम हो चुकी है पूरी वीडियो में, ठीक है। अब दोस्तों आपको फाइनली वापस थ्री डॉट में आना है, ठीक है। अब दोस्तों थ्री डॉट में आने के बाद वापस हमारे को इफेक्ट में चले जाना है, ठीक है। अब दोस्तों इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, एक इको हमारा ऑप्शन है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर सेट करेंगे, जो हमारी पीछे हमारे वीडियो का पीछे इको होगा, ठीक है, वो हमारा हट जाएगा अगर आप इसको अप्लाई कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा, ठीक है, अप्लाई का। अब दोस्तों आपके आपके हिसाब से आप सेट कर लेना, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, ठीक है, टीन आपके हिसाब से यहाँ पर आप 19:20 कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो के पीछे इको है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि दोस्तों अभी हमारे हमारे वीडियो के पीछे कोई इको नहीं है तो यहाँ पे मैं
कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमारे को फाइनल वापस थ्री डॉट में चला जाना है। ठीक है, अब दोस्तों थ्री डॉट में जाने के बाद आपको वापस इफेक्ट में आ जाना है। ठीक है, अब दोस्तों इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से आप ध्यान से देखना। ठीक है, आपके सामने कुछ बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन अगर दोस्तों आप कोई रिवर्स करना चाहते हो तो रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वीडियो में कोई स्लो है तो दोस्तों आप स्पीड कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी स्पीड है तो आप स्लो भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको फाइनली एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वो इसका तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों हम वापस इसमें जाते हैं आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वॉइस कोई मोटी हो या फिर पतली हो तो दोस्तों आपको यह से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको फाइनली एक यहाँ पे थ्री डॉट में आ जाना है। फाइनल वापस आपको इफेक्ट में आ जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको ये ऑप्शन मिलेगा तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अगर आपकी वॉइस पतली है, ठीक है, यानी कि आपकी भारी है या फिर पतली है तो दोस्तों आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों सेट कैसे करना है आपको ध्यान से देखना। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत सारे आपको सिस्टम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले हमारे वीडियो को प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर खुद की वॉइस के रील्स बनाते हो तो दोस्तों रुक जाओ इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि अगर आपकी वॉइस पतली है या फिर दोस्तों मोटी है तो अपने हिसाब से आप एडिट कैसे कर सकते हो। और दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हो तो दोस्तों हमारे वॉइस का काफी हाथ होता है हमारे YouTube पर वीडियो वायरल होने का। ठीक है, अब दोस्तों जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने, ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपकी वॉइस किस प्रकार की है तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये ऑप्शन हम अपर वीडियो को प्ले करके सुन सकते हैं हमारी वीडियो कैसी है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने सेट कर लिया सारा, ठीक है, आप यहाँ पे एक बार सेट कर लेना। सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। ठीक है, आपको अप्लाई कर देना है तो हमारी वीडियो में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपने वॉइस को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप एक दो बार चलाओगे तो दोस्तों आपको खुद को पता चल जाएगा कि इस प्रकार से ये वीडियो एडिट होती है। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने एक छोटा सा बताया कि आप इस प्रकार से एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हो तो दोस्तों नॉर्मल आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हो तो दोस्तों आपको एक सेव का ऑप्शन दे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके हिसाब से आप यहाँ पे फाइल नंबर डाल के आपके हिसाब से सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल देना। ठीक है, यहाँ पे बेक आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल देना। मैं यहाँ पे एक बार कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डालने के बाद आप डन कर देना और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप और कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पे सेव कर सकते हो और ये हमारी वीडियो है जो सेव हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको अपने यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो दोस्तों काफ़ी हाथ होता है हमारी वीडियो वायरल होना का। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपकी वॉइस एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपनी वॉइस एडिट कर सकते हो और दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक जैसे छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि दोस्तों हमारे को वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।